हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। हेलो स्टूडेंट, अपने वादे के मुताबिक मैं एक नए नोटिफिकेशन लेके आपके साथ एक नए वीडियो में हाजिर हूँ। ये एक जो नोटिफिकेशन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। ये जो नोटिफिकेशन है 9 मई को जारी हुआ है और ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पीएचडी एस्पिरेंट के, जो पीएचडी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पार्टिकुलर जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये अप्लीकेशन क्या है, अपडेट क्या है? तो ये जो अपडेट लिखा हुआ है ये पीएचडी प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार के संबंध में है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-23 को निरस्त करने के संबंध में दिनांक 29 अप्रैल 2024 को जारी सूचना क्रमांक 4 जो भी क्रमांक संख्या है इसके, तथा दिनांक 3 मई 2024 को शुल्क वापस करने के संबंध में जारी सूचना क्रमांक इतना दे दिया है 23, 23, 23, 19, 37 को अधिक्रमित किया जाता है, और जो इसके अनुसार से अधिक्रमित जो संशोधन जो भी है करके अधिक्रमित मतलब पता नहीं क्या होता है वही करके, और लिखित परीक्षा प्रवेश सत्र 2023 में अहर, ये अहर क्या होता है इसको नहीं लिख सकते हैं, उत्तीर्ण भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे अहर लिखा गया है, उत्तीर्ण पाए गए अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के लिए साक्षात्कार दिनांक 14, 15 एवं 16 मई 2024 को ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। लिखित साक्षात्कार का विवरण यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ऑनलाइन साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को गूगल मीट का लिंक ईमेल के माध्यम से एक दिन पूर्व प्रेषित किया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में इस सक्षम अधिकारी अनुमोदित किया जाता है, ये जो किया गया है अनुमोदित ये सक्षम अधिकारी द्वारा, और इसके रिलेटेड सब लोगों को सूचित किया गया है एडमिशन में। तो कोई भी वर्धा में अगर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उत्तीर्ण हो गया था तो उसको सूचित कर दिया जाए ताकि वो पीएचडी में के साक्षात्कार के लिए जाए और इसको अच्छी तरह से तैयारी भी कर ले। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इसको जो जहाँ भी साक्षात्कार जो होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसमें आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और सिनोप्सिस शोध प्रस्तावना जो होता है, शायद यही हिंदी होगा, रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, तो रिसर्च प्रपोजल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल आप 15 से 2000 वर्ड में अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसको मैंने इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में खोज कर यहाँ पे, और उसको देख के कि प्रपोजल किस तरह बनाया जाता है, और इसको अच्छी तरह से तैयारी करके तब जाइए और उसी बेस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको देख लीजिएगा कि उससे रिलेटेड जितने भी टेम्परेरी वर्क है, जो राइटर हैं, जो बुक है, उसका अच्छे से अध्ययन करके तब जाइएगा, तब आपको एडमिशन होने के चांस में इजाफा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे उस तरह से पारदर्शिता को फॉलो नहीं किया जाए, ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे कमी है होती है, ये बात पर ख्याल रखें। यहाँ पे केन प्राक्रेन भी एडमिशन होता है, यहाँ पे उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैं क्लियरली कह सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस सब बातों का ध्यान रखिएगा, तब एडमिशन के लिए तैयारी कीजिएगा। अगर आप सिर्फ अपने जो नंबर के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका टैलेंट का जो अनदेखी किया जाएगा,
उसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे पीएचडी एडमिशन का रूल थोड़ा चेंज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे कितने डिले चल रहे हैं सेशन, शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में इतने डिले सेशन चलते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से तैयारी करें और दें जाकर इंटरव्यू ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। मिलते हैं इस तरह के नए अपडेट में, तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़। थैंक यू वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए यूनिवर्सिटी न्यूज़ को। अगर लाइक अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड पीएचडी और इस वीडियो में तो आप क्वेश्चन पूछें, मैं उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देता हूँ, भले लेट हो जाता है लेकिन देता ज़रूर हूँ। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और देखता हूँ। टाइम नहीं मिलता है तो जवाब नहीं देता हूँ, और नेसेसरी नहीं रहता है जवाब देना तभी जवाब नहीं देता हूँ। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।